बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाकोस बनाएंगे। उसके लिए मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, 1 कप जो हम यूज़ करते हैं चाय के लिए वो मैंने लिया है। उससे मैंने मेजरमेंट किया है। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करूंगी इस तरह से। अब मैं इसको गूंद लूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पानी मेरा नीम गर्म है। इतना नरम भी नहीं होना चाहिए, इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए सफा। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से गूंदूंगी। आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से कवर करके रख लूंगी 15 मिनट के लिए। बाद में हम इसकी शीट बनाएंगे, पहले मैं इसकी स्टफिंग बनाती हूँ। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रखूंगी। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 पोटैटो लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके छिलका उतार लिया था। उस हाथ के साथ मैंने इसको माश कर लिया है। 1 मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया है। 1 मैंने ग्रीन चिली काट के इस तरह रखी है। ये मैंने दिखाने के लिए रखी थी, इस तरह की थी। ये इतनी तेज भी नहीं होती। एक ही इसमें मैं डालूंगी जो मैंने काट के रखी हुई है। नमक मैंने लिया 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, अरगानो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। अब मैं पान में ऑयल डालूंगी। इसमें मैं आनियन डाल दूंगी। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। इसके कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी। इसको मिक्स करूंगी। सारे मसाले डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। इसमें जो मैंने काट के रखी हुई थी रेड चिली वो भी इसमें मैं डाल दूंगी। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
अब मैं टाको शीट बनाऊंगी। इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। अब हम टाको शीट बनाते हैं। अब हम टाको शीट बनाएंगे। उसके लिए मैं छोटे छोटे से पहले इस तरह पेड़े बना के रख लूंगी इस तरह से सारे बना के रख लूंगी। पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसकी शीट बनाऊंगी। पहले फ्लेम को ऑन करूंगी। मैं इतनी सी बनाऊंगी, ना इतनी बड़ी है ना इतनी छोटी है। इसको मैं तवे पे डालूंगी। इसी तरह से बाकी भी मैं बना लूंगी। मैं इसको टर्न करूंगी। इसको पूरी तरह पकाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा सेकना ही है। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसे तरह बाकी भी बना लूंगी। टाको शीट रेडी है। मैं इसके अंदर लगाऊंगी। पहले मैं टमाटर सॉस लगाऊंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाइएगा। इस तरह से सारे के ऊपर लगा दूंगी। लगा के इसके ऊपर है आलू की जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो इसके ऊपर डालूंगी। इस तरह से आधे हिस्से का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं चीज डालूंगी। चीज भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मैं इस तरह से बंद कर दूंगी। इसी तरह से बाकी भी मैं बना लूंगी। अब मैं थोड़ा सा माजरीन लूंगी। आप बटर ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। पान में या तवे के ऊपर आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं टाको रख दूंगी। दो दो करके मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूंगी। टर्न करूंगी। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह मैं कर लूंगी। इसको भी टर्न करूंगी। इसको भी गोल्डन होने तक इसको पकाऊंगी। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको इस तरह पकड़ के इस तरह से कर लूंगी। दूसरी साइड से भी ये हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। अब ये इस तरफ से भी हो गई है। अब मैं इसको निकालूंगी। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लूंगी। मेरे आलू के टाकोज रेडी हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।